क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज स्टेटमेंट पीएन। नाउ कंसीडर, किसे कंसीडर करेंगे हम? पी वन को। एलएचएस 1 प्लस 3 बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4। नाउ आरएचएस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 4। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस दैट मींस पी 1 इज ट्रू। ओके, लेट पी के बी ट्रू, दैट मींस 1 प्लस 3 बाय 1, 1 प्लस 5 बाय 4 एंड मल्टीप्लाइड सॉन 1 प्लस 2 के प्लस 1 बाय के स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, नाउ कंसीडर पी के प्लस 1। PK plus 1 LHS will be 1 plus 3 by 1 multiplied by 1 plus 5 by 4, 1 plus 2K plus 1 by K square. Next term is 1 plus 2 into K plus 1 plus 1 by K plus 1 square. ओके, दिस इज k प्लस 1 टर्म। नाउ रिक्वायरमेंट क्या हो गया? रिक्वायरमेंट हो गया k प्लस 2 होल स्क्वायर। यहां से यहां हम रिप्लेस करेंगे इसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, यहां एलसीएम ले लेते हैं अंदर, तो अंदर आ गया हमारे प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां ऊपर क्या हो गया देखते हैं, ये बन गया k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k प्लस, यहां हो गया 2k प्लस 2 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई हुआ k से तो 2k, 2 मल्टीप्लाई 1 से 2 प्लस 1। नाउ ये ऊपर वाला नीचे वाला कट चुका है k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या बचा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2k इज 4k। नाउ दिस 2 प्लस 1 3 एंड देयर इज 1 हियर 4, एंड ये क्या आ गया हमारे लिए, ये आ गया k प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज अवर आर एच एस, दैट मीन्स पी k प्लस 1 इज ट्रू। ओके, नाउ दैट मीन्स पी एन इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, that means pn statement is true. Okay.